वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जेके। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ ब्रेड कटलेट की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, बॉयल्ड आलू, मसाले ले लिए मैंने, जीरा और काली मिर्च को रोस्ट किया था और पीस लिया है, चाट मसाला, नमक, धनिया पाउडर, मैगी मसाला, प्याज ले लिया है उसको मैंने चॉप कर लिया है, अदरक ले लिया है उसको ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्च ले ली है उसको चॉप कर लिया है। आइए अब बनाते हैं। एक बाउल ले लेंगे हम, पानी ले लेंगे हम थोड़ा सा। अब इसमें ब्रेड को डिप करेंगे। इसको स्क्वीज करेंगे और इसमें डाल देंगे। पानी सारा निचोड़ लेंगे हम। आप ब्रेड के कॉर्नर्स को कट भी कर सकते हैं और कोई ज़रूरी भी नहीं है। ब्रेड को हमने पानी से निचोड़ लिया है। इसमें आलू डाल लेंगे मैश करके। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। प्याज ऐड कर लेंगे इसमें। ये एक बड़े साइज की प्याज है, आप स्किप भी कर सकते हैं जो प्याज नहीं खाते। अदरक डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, भुना काली मिर्च और जीरा का पाउडर, चाट मसाला, मैगी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेंगे, इससे बहुत क्रिस्पी बनता है ये। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से मैश कर लीजिएगा आप, उससे बहुत अच्छे से मैश हो जाता है और मिक्स भी हो जाता है। हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम कटलेट प्रिपेयर करेंगे। ऑयल ले लेंगे और हैंड पे ग्रीस करेंगे। मिक्सचर लेंगे हैंड पे और शेप दे देंगे। कैसी भी शेप दे सकते हैं आप। ऐसी शेप भी दे सकते हैं, ओवल शेप। हमने कटलेट्स की शेप दे दी है, आप भी ऐसी दे दीजिएगा। अब हम इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल डाल लिया है और गर्म हो रहा है ये। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कटलेट्स डाल लेंगे और फ्राई करेंगे। इसको हम टर्न करते रहेंगे। हमारे कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं। देखिए हमारे कटलेट का कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसको ब्राउन होने तक ही उतारेंगे हम, एकदम क्रिस्पी। हमारे कटलेट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, देखिए एकदम क्रिस्पी। इसको हम उतार लेंगे।
गाइस हमारे ब्रेड कटलेट्स रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। गाइस आप भी ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए गाइस, इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।